हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका, R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बचे हुए चावल से फिर से एक नई और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो आपके घर जब भी चावल बचे तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी ली है, सूजी को रवा भी कहा जाता है, और मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। आप यहाँ पर मोटी या बारीक कोई सी भी सूजी ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। तो सूजी को हम एक बाउल में डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही। दही यहाँ पर एकदम ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। 1/4 कप के करीबन मैंने इसमें पानी डाला है। अच्छे से मिला देंगे और इसका हमें एक बैटर बनाना है। ध्यान रहे एकदम ज्यादा पतला बैटर नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर हमें बनाना है। मैंने 1/4 कप के बाद पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। अब हम इस बैटर को ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए। अब मैंने यहाँ पर रात के बचे हुए चावल लिए हैं। इसे यदि मेजर करेंगे तो मेजरिंग कप से 1 कप चावल है। तो मैंने चावल को मिक्सर जार के अंदर डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ध्यान रहे एकदम ढेर सारा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालना है। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको पीस लेंगे। तो मैंने चावल को पीस लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है हमें चावल का। 15 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे और जो ये सूजी है ये भी अच्छी तरह से फूल गई है। आप देख सकते हैं सूजी फूल गई है तो ये बैटर कितना थिक हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पिसे हुआ चावल, जिस चावल को हमने पीस के रखा था इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 1/2 कप डाल देंगे बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। आप यहाँ पर अपने मनपसंद अनुसार कोई से भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं, और जो आप खाना पसंद नहीं करते हैं उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चाट मसाला डालने से इस नाश्ते का। 1 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। यदि आप इस नाश्ते को स्पेशल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं, और यदि आप स्पाइसी कम खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ मिर्ची की क्वांटिटी को भी कम कर सकते हैं। 1/2 चम्मच डाल देंगे नमक। नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिए क्योंकि जब हम चावल बनाते हैं उसमें भी नमक होता है, और जब हमने सूजी का बैटर लगाया था तो उसमें भी नमक डाला था। 1/3 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। 1/4 चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा, इसे खाने का भी सोडा कहा जाता है, और साथ ही में डालेंगे थोड़ा पानी। और अब हम इसका एक बैटर बनाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी बैटर आपको कितना पतला या गाढ़ा रखना है। सभी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर हमें लगाना है। मैंने यहाँ पर 1/2 कप से भी थोड़े कम पानी का इस्तेमाल किया है। अब मैंने यहाँ पर उत्तपम मेकर लिया है, तो इसे मैंने गैस ऑन करके गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये हल्का सा गर्म हो गया है, तो इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। चारों साइड में हम ऑयल से इसे ग्रीस करेंगे। आप चाहे तो ऑयल की जगह यहाँ बटर या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने पैन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने बैटर बनाया है उस बैटर को हम इसके अंदर भरेंगे इस तरह से। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करिए, नहीं तो ये जल जाएगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। रात के चावल जब भी बच जाते हैं और हम घर में इसे ऐसे ही किसी को खाने को देते हैं तो कोई खाना पसंद नहीं करता, लेकिन यदि हम उस बचे हुए चावल से बढ़िया सा नाश्ता बनाकर खिलाएं तो सभी लोग खाना पसंद करते हैं। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब ये एक साइड से हल्के हल्के से पक गए हैं, इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा ऑयल डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। और इन्हें अच्छी तरह से पकने के बाद ही पलटिए, कच्चे में बिल्कुल भी नहीं पलटिए। तो अब हम इसे पलट देते हैं, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से हम पकने देंगे। एक बात का ध्यान रखें, इसे अच्छी तरह से पकने के बाद ही पलटिए, कच्चे में बिल्कुल भी नहीं पलटिए, क्योंकि ये शुरू शुरू में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, पकने के बाद थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए आप उसे अच्छी तरह से पकने दें उसके बाद ही पलटें। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको इसे उठाना है क्योंकि ये ऊपर से अभी भी सॉफ्ट है। और एक बात का ध्यान और रखें, इसके बैटर को आप एकदम ज्यादा गीला ना करें, आवश्यकता अनुसार ही पानी डालें। अब दूसरी साइड से भी हम इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे, और इसी तरह से इसे हम पलट पलट कर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे। तो मैंने इन्हें पलट पलट कर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लिया है। तो इन्हें हम उठाकर प्लेट में रख लेंगे। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये, मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, वाव, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसे हम प्लेट में रख लेंगे। इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि हमने यहाँ पर बॉइल्ड चावल का इस्तेमाल किया है,
और सूजी को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसे बनाते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इसे आप हल्के हल्के हाथों से ही उठाएं, क्योंकि हमने ये नाश्ता बॉयल चावल का बनाया है तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आप इस नाश्ते को बनाकर अपने घर में खिलाओगे तो इसे बच्चे और बड़े सभी लोग खाना पसंद करेंगे और आपके घर के बचे हुए चावल भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी के नाश्ते को भी बना लेंगे। थोड़ा सा वापस से ऑयल से पैन को हम ग्रीस कर लेंगे और ये एक हेल्दी रेसिपी भी है। मैंने इसमें तेल का यूज़ बहुत ही कम किया है तो इसे भी हम सेम प्रोसेस की तरह पका लेंगे। यदि आप इस उत्तपम मेकर को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं। तो मैंने सारे नाश्ते को पलट पलट कर अच्छी तरह से पका लिया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बचे हुए चावल का ये उत्तपम बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब की बार जब भी आपके घर चावल बचे तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।